हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बजीज टाउन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बजरी तोतों को मूंग देने के क्या फ़ायदे हैं, मूंग देने का सही तरीका क्या है, और अगर हम मूंग के स्प्राउट्स बना के अगर हमारे बजरी तोतों को खिलाओगे तो उनको क्या फ़ायदा होता है उस चीज़ का, किस तरीके से देते हैं और कितनी मात्रा में देते हैं, तो इसके बारे में आज पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और जो भी भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं बजरी तोतों से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ, चाहे वो उनकी ब्रीडिंग की है, चाहे उनकी हेल्थ की है, या उनकी डाइट की है, या उन्हें कैसे रखना है, उस तरीके मतलब हर एक जानकारी जो बजरी तोतों की होती है मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो नए जुड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, बजरी तोतों को जो उनकी डाइट है उसका हमें पता ज़रूर होना चाहिए भाई किस तरीके की डाइट हमें उन्हें देनी है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से डाइट नहीं दोगे आपके अपने बजरी तोतों को तो होगा क्या कि एक तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, दूसरा होता क्या है कि आपके यहाँ ब्रीडिंग नहीं होती, आप काफ़ी टाइम से रखे हुए होते हो बजरी तोतों को और बस करते क्या हो कि एक कंगनी देते रहते हो, कंगनी दाना आपको पता है, लेकिन उसके अलावा आप उनको कोई भी सॉफ्ट फूड नहीं देते। सॉफ्ट फूड का बहुत महत्व होता है हर एक मतलब हर एक चीज़ में, जैसे कि उनकी ग्रोथ है या उनकी कोई मिनरल विटामिन की जो भी कमी होती है कैल्शियम वगैरह की, वो सब सॉफ्ट फूड से पूरी होती है। और दूसरा, जिनके यहाँ ब्रीडिंग नहीं होती तो ब्रीडिंग के लिए सॉफ्ट फूड बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इससे पहले मैंने गेहूं पे वीडियो डाली थी भी गेहूं कैसे देते हैं, क्या तरीका होता है और उस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं, तो उस वीडियो को आपने काफ़ी प्यार दिया था दोस्तों, तो मैंने सोचा क्यों ना इन टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको गेहूं के बारे में मूंग के बारे में बताऊँगा अभी कैसे देना है, क्या तरीका है सही और कितनी मात्रा में देनी है। तो देखिए दोस्तों, बजरी तोतों को आपको मूंग देने के लिए कोई ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं करना है और ना ही उसमें कुछ आपको मेहनत लगनी है। बस आपको करना ये है कि बजरी तोतों के जैसे सुबह आप दाना पानी रखते हो उस टाइम आपको मूंग प्रोवाइड करने हैं, लेकिन करने का तरीका ये है कि आपको शाम के टाइम मूंग पानी के अंदर भिगो के रखने होंगे। दोस्तों, अगर आप सीधे रख दोगे तो हो गया क्या, वो हार्ड होंगे बिल्कुल और वो बजरी तोते नहीं खाएंगे, लेकिन अगर आप पानी में भिगो के दोगे तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और बजरी तोतों को खाने में भी सही लगेंगे। तो इसलिए आप उसको रात भर जैसे 10 से 12 घंटे के लिए भिगो के रख दो। मूंग, साबुत मूंग दे सकते हो, अगर आपके पास साबुत मूंग नहीं है तो घर पे आपके मूंग की दाल होगी उसको आप भिगो के दे सकते हो 3-4 घंटे। अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी भेज देते हो तो आप सुबह भी भिगो के दे सकते हो, लेकिन अगर आप रात भर भिगो के रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, उससे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और बजरी तोते आसानी से उसको खा लेंगे। तो आपने जैसे रात को भिगो के रख दिया और सुबह के टाइम आपने उसका 1 से 2 बार पानी चेंज करके उसको अच्छे से वॉश करके और आपने अपने बजरी तोतों को दे देना है। इससे होगा क्या कि जब आप बजरी तोतों को मूंग खिलाओगे दोस्तों, तो जो सबसे बड़ा मूंग के अंदर हमें मिलता है वो है प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी पूरी होती रहेगी बजरी तोतों को तो होगा क्या कि उनकी जो ब्रीडिंग है वो भी हो जाएगी जिनके यहाँ ब्रीडिंग नहीं हो रही। दूसरा, जैसे उनके कई बार क्या है पंख झड़ने लग जाते हैं या उनकी ग्रोथ सही नहीं होती या प्रोटीन पूरा तरीके से नहीं मिलता तो वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते, बस ऐसे ही फूल के बैठे रहते हैं और ना ब्रीडिंग करते हैं ना कोई एक्टिविटी करते हैं। तो इसलिए आप मूंग को अपने बजरी तोतों की डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करें। आप मूंग के स्प्राउट्स बना के भी दे सकते हैं। स्प्राउट्स बनाने का तरीका यही है दोस्तों कि जैसे आपने मूंग को क्या है 24 घंटे के लिए आप बिल्कुल भिगो के रख दो, पानी के अंदर पड़े रहने दो 24 घंटे। उसके बाद उन मूंग को निकाल के आपने एक सूती कपड़ा लेना है और उसके अंदर वो मूंग डाल के और आपने रात भर या जैसे 15-1 घंटे के लिए आपने उस कपड़े के अंदर रखना है। बस ध्यान रहे भी कपड़ा वो सूखे ना,
आप सूती कपड़े में रखें और एक दो बार कपड़े को गीला कर दें ताकि उसके अंदर नमी बनी रहे। और जब नमी बनी रहेगी दोस्तों तो होगा क्या कि वो जो मूंग है वो अंकुरित तो होने लगेंगे और आपके जो स्प्राउट्स हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से जैसे मतलब 24 घंटे आपने भिगो के रखा पानी में, उसके बाद आपने उस कपड़े में डाल के सुत्ती में और रख दिया किसी ऐसी जगह पे जहाँ वो कपड़ा सूखे ना, मतलब उसमें नमी बनी रहे। और जब 24 घंटे वो हो गए और कपड़े में रखने के बाद जैसे 15 घंटे पड़ा रहेगा, तो उसके बाद क्या है उसमें स्प्राउट बन के अपने आप तैयार हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपने वो स्प्राउट लेने हैं और अपने बजरी तोतों को सुबह के टाइम रख देने हैं। आप देखोगे जब स्प्राउट रखोगे तो बजरी तोते उसको बड़े चाव से खाएंगे। और स्प्राउट्स देने के बहुत सारे बेनिफिट हैं दोस्तों। आप मूंग के अलावा आप चने के भी स्प्राउट्स बना सकते हैं इसी तरीके से, क्योंकि उससे प्रोटीन की कमी पूरी होती है। और प्रोटीन प्रोटीन पोटेशियम जो भी होता है बजरी तोतों के लिए वो सब मूंग से पूरा हो जाता है। तो उन्हें आपको अलग से कोई विटामिन या प्रोटीन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस मूंग खिला के ये बजरी तोतों की जो हर एक कमी है वो पूरी कर सकते हो। जब आप ये डेली डाइट में शामिल करोगे, जैसे हफ्ते में अगर आप ज़्यादा नहीं तो 2 बार दे सकते हो मूंग को, इससे ज़्यादा भी नहीं देना है। और क्वांटिटी भी आपने ज़्यादा नहीं रखनी है, आप क्वांटिटी उतनी रखें जिसको वो, जैसे आपके पास पेड़ है एक एक जोड़ा आपने रखा हुआ है तो आप उसको 2 चम्मच दे सकते हो दोस्तों मूंग। अगर 2 पेड़ हैं तो आप 4 चम्मच दे सकते हो भी, मतलब आपने मात्रा थोड़ी कम रखनी है, ज़्यादा भी नहीं लेनी। आप कहीं सोचें एकदम से पूरा भर के रख दिया, लेकिन इतने भी नहीं रखने हैं। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट फूड दोगे तो बजरी तोतों को लूज मोशन की प्रॉब्लम आ जाएगी और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं क्वांटिटी आपने कम रखनी है, क्वांटिटी उतनी रखे जिसको वो आसानी से खा ले दोस्तों कम टाइम में। और स्प्राउट्स आप दो के देखो, इसको मूंग को भी डाइट में शामिल करो तो आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जिनके यहाँ ब्रीडिंग नहीं हो रही थी अब तक, उनके यहाँ भी ब्रीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो मूंग हमेशा अपने बजरी तोतों खिलाएं। आपके पास चाहिए और भी कोई बर्ड है तो आप उनको भी दे सकते हो, ये सबसे बेस्ट रहता है सॉफ्ट फूड के अंदर। आपको मैंने गेहूं के बारे में तो बताया था, अभी गेहूं तो देनी देनी है आपने, आप इसको भी डाइट में शामिल कर सकते हो। ये वीकली बेसिस अगर आप देना चाहो तो 1 बार दे सकते हो या 2 बार भी दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, आप दे सकते हो। लेकिन बस क्वांटिटी आपने कम रखनी है। 1-2 बार हो सकता है आपने बजरी तोतों को नहीं दिया तो वो नहीं खाएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप रेगुलर उसकी डाइट के अंदर शामिल कर लोगे तो देखना आपके जो बजरी तोते हैं उसको खाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी बहुत जानकारी से भरी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। बाकी मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो लेके आता रहूँगा, फूड से रिलेटेड है, सॉफ्ट फूड है, या उनकी डाइट वगैरह कैसे किस तरीके से देते हैं, तो कंप्लीट मैं इस पे वीडियो आगे लेके आ रहा हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।